सुजानपुर विधानसभा की ग्राम पंचायत टीबी में मतदान केंद्र पर आयोजित मंडल भाजपा के कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल की उपस्थिति में कांग्रेस पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष व पंचायत टीबी के पूर्व उप प्रधान प्रदीप कुमार ने विधिवत रूप से भाजपा का दामन थाम लिया। उन्होंने कांग्रेस की समाज विरोधी नीतियों और झूठ फरेब की राजनीति से तंग आकर ये कदम उठाया है, ऐसा प्रदीप कुमार ने इस मौके पर कहा। वहीं कांग्रेस पार्टी के टोनीदेवी ब्लॉक के पूर्व जनरल सेक्रेटरी व कुठेड़ा सोसाइटी के सदस्य त्रिलोक चंद ने भी कांग्रेस की गलत नीतियों से तंग आकर वो प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व में आस्था जताते हुए भाजपा का दामन थाम लिया है। इसके अतिरिक्त स्वाह के सूबेदार अजय चंद राणा, टीवी के बाबूराम, नरखेट सौरा के महंत राम, महेंद्र सिंह, जगदीश देशराज, संजीव मेहर सिंह तथा जोड़ा राम ने भाजपा का दामन थाम लिया। मंडल अध्यक्ष ने पार्टी में जुड़े हुए नए सदस्यों का स्वागत किया व उनका हार पहनाकर स्वागत किया। पूर्व मुख्यमंत्री ने नए सदस्यों को पार्टी की मजबूती के लिए काम करने को कहा। इस अवसर पर पंचायत सचिवों के 30 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने पूर्व मुख्यमंत्री से भेंट की। प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने पूर्व सीएम का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भाजपा की पूर्व प्रदेश और मुख्यमंत्री उन्होंने पंचायत सचिवों की पोस्ट निकाली थी जिनसे उन्हें रोजगार प्राप्त हुआ था, अब वह रेगुलर भी हो गए हैं। पूर्व सीएम ने सबको शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उन्हें खुशी है कि ये सब लोग अपने परिवार की देखभाल कर रहे हैं और पंचायतों के विकास का पहिया आगे बढ़ा रहे हैं। पूर्व सीएम ने कहा कि उन्होंने सदा जोड़ने का काम किया है। कई लोग तो अपने स्वार्थ के लिए युवा पीढ़ी को नशे में झोंक कर समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं।